नॉनस्टॉप 0.2। हेलो गाइस, मैंने इस ड्राइवर पर क्लिक किया, उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेट करके जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हाइड है। तो इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे आप? तो फॉर्मेट करने के लिए आपके कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको नेट पे जाके या कोई पे जाके सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो स्टेप आपको दिखाऊंगा और जो प्रोसीड्योर मैं आपको बताऊंगा, हर विंडोज़ के अंदर ये सपोर्टेड है। आपके पास विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, मेरा जो स्टेप वो फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इस पेन ड्राइव को फिर से एग्जिट किया, उसके बाद एंटर किया। देखिए मेरा जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिकली आ चुका है। देखिए मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पेपर क्लिक किया, देखिए फॉर्मेट करके जो स्टार्ट बटन है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। ठीक है, इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे? तो आपको कोई सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली सी आपको स्टार्ट बटन में जाके CMD सर्च करना होगा, उसके बाद सिंपली इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे छोटा सा कुछ कमांड टाइप करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसा टाइप करते जाऊँ तो आप उस तरीके से टाइप कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले लिख दीजिए डिक्स पार्ट, उसके बाद आप फिलहाल एंटर दीजिए। एंटर देने के बाद आपको यस और नो करके पूछेगा, आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद इस तरह का एक और भी एक कमांड फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने क्योंकि दोनों पार्ट ओपन हो गया, क्योंकि मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा लिस्ट डिक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दोनों डिक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिक्स 0 है मेरा हार्ड डिस्क और डिक्स 1 है मेरा पेन ड्राइव। तो मैं फिर से ही दिखाई देता हूँ, देखिए मेरा 16 GB का पेन ड्राइव है। उसके बाद आपको डिक्स 1 को सिलेक्ट करना होगा, डिक्स 1। देखिए मेरा जो कमांड था मैंने गलती से टाइप कर दिया, डिक्स 1, सिलेक्ट डिक्स 1 लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, ACLDISK 1। उसके बाद देखिए मेरा जो डिक्स है 1 डिक्स सिलेक्ट हो गया। तो फिर से क्या करना होगा दोस्तों, फिर से इसको क्लीन करना होगा, क्लीन कमांड टाइप करना है CLEAN। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। देखिए ये जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिकली क्लीन हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत कुछ कमांड टाइप करेंगे तो आपको टाइम ही निकल जाएगा। ठीक है, सिंपली से आपको देखिए मेरा जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। तो फिर से कैसे क्या करेंगे, तो माय कंप्यूटर है, दिस पीसी है, इसको पर राइट क्लिक करेंगे तो मैनेज पे जाइए। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए डिक्स मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ साथ देखिए यहाँ पे अनलोकेटेड आपका जो पेन ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो चुका, लेकिन दोस्तों क्रिएट नहीं हो गया। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज डिक्स, इसके बाद ओके। देखिए दोस्तों, आपका डिक्स ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू सैंपल वॉल्यूम, उसके बाद नेक्स्ट, आपको असाइन लेटर करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फाइल सिस्टम आप चूज कर लीजिए, आपका फाइल सिस्टम NTFS और FAT32। मैंने FAT32 कर देती हूँ क्योंकि मेरा रिमूवेबल डिक्स है। और उसके बाद फिनिश। देखा दोस्तों, मेरा जो हार्ड पेन ड्राइव है वो फॉर्मेटिंग हो रहा है अभी। तो यहाँ पे ये काम कमांड थ्रू से भी कर सकते हो, क्योंकि आप कमांड के नहीं जानते हो तो आपको कमांड से टाइप करना नहीं आती, बहुत बोरिंग लगेगा दोस्तों। लेकिन इसलिए मैंने GUID फॉर्मेट, ग्राफिकली फॉर्मेट में आपको समझा दिया। तो कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो पेन ड्राइव फॉर्मेट। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कमांड के साथ कैसे पार्टीशन करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और क्विक फॉर्मेट तो कैसे करेंगे। फिलहाल पेन ड्राइव को कोई भी पांदा फॉर्मेट करते थे, उसके बाद पेन ड्राइव को रिकवरी कैसे करेंगे डाटा डिलीट होने जाने के बाद, मैंने इसके ऊपर फिलहाल एक वीडियो बना दिया। उस वीडियो को देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पेन ड्राइव के लेके बहुत सारा वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो देख लेना। और वीडियो को अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।